नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम फोटो देवी है। इंडियन बेजपुर चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज फिर आए हैं एक नई रेसिपी के साथ। तो वीडियो हम आप लोग लास्ट तक देखते रहे, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो आज हम एक बगीचे में आए हुए हैं। यहाँ पे एक पोमेलो का पेड़ है, तो आप सब देख सकते हैं कि पौधा जो है काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ऊंचाई पे है और काफ़ी इसमें जो है फल लगे हुए हैं। तो आप सब देख सकते हैं कि काफ़ी जो है ऊपर फरे हुए हैं, तो हम पाएंगे नहीं। तो इस वीडियो में हमारे पति जी थोड़ा हमारा हेल्प करेंगे तोड़ने के लिए। तो चलिए शुरू करेंगे तोड़ना। नमस्ते दोस्तों, तो फिर हम पेड़ के ऊपर चढ़कर जो है पोमेलो को तोड़ते हैं। पेड़ पर चढ़ने का हमारा जो है बचपन का एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम आम के पेड़ पर चढ़कर काफ़ी आम तोड़ा करते थे अपने बचपन में। तो यह जो है पका हुआ है, बड़े आसानी से टूट रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ चढ़ने के बाद। तो यहाँ पे हम कैमरा जो है पेड़ के ऊपर लेकर आ गए हैं, क्योंकि नीचे से अच्छा शूट नहीं हो पा रहा था, ताकि आप लोगों को नज़दीक से दिखा सकें। तो बिल्कुल आप पास से देख सकते हैं, एक दो यहाँ पे तीन फल लगे हुए हैं, तो एक पका हुआ है, बाकी दो जो है वे कच्चे हैं। तो जितना हो सका था उतना हमने ले लिया है। चबाए घर जहाँ पे हम बनाए गए थे, हमारे पति जी है पेड़ से नीचे हम आ गए हैं। पोमेलो को लेकर हम पहुँच गए अपने घर पे। तो सबसे पहले इसे हम धुलेंगे साफ पानी से। तो अब इसे हम कारगर इसका छिलका उतारेंगे। तो इस तरह से हम कई भागों में इसे काट लेंगे, ताकि छिलका बहुत ही आसानी से उतर जाए। छिलका उतारेंगे तो आप सब देख सकते हैं ये पक गया है। तो काफी अच्छा इसका कलर भी दिखाई आप सबको थोड़ा सा पड़ रहा होगा, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। छिलका भी बहुत ही आसानी से उतर जा रहा है। तो बहुत ही टेस्टी रेसिपी इसका हम बनाएंगे। तो वीडियो को हमारे पास लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सारे पोमेलो का छिलका हमने उतार लिया है। तो पोमेलो को हमने पूरी तरह से जिसका छिलका उतार दिया, आप सब देख सकते हैं पूरा रसीला दिखाई पड़ रहा होगा आप सबको। तो काफ़ी रस इसमें भरा हुआ है, आप सब पास से देख सकते हैं। ये दोस्तों जैसे चकोतरा होता है, मुसब्बी होता है और नींबू होता है, तो बिल्कुल उसी प्रजाति का ये भी होता है। तो चलिए हम एक पीस काट कर आप सबको दिखाते हैं। तो आप सब देख सकते हैं इसमें बीज भी है, बीज जो है पूरी तरह से कट गया है। तो अब इसे हम काट कर इसका हम गुदा निकालेंगे। तो थोड़ा सा परत होता है ऊपर, उसे हम हटा देंगे और बीज को हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम बीज को निकालेंगे, उसके बाद इसके हम रस वाले हिस्से को निकालेंगे। और निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, बहुत ही आसानी से जो है निकल जाता है। थोड़ा सा छिलका होता है, छिलका भी हट जाता है। तो इसी तरह हमें सारा गुदा निकाल लेना है। इस तरह से आप सब देखें कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो हमने भी पहली बार देखा हुआ है, तो हमें देखने में अच्छा लग रहा है।
तोरस वाले पार्ट को हमने निकाल दिया है दोस्तों, तो आप सब देख सकते हैं काफ़ी रसीला है। तो इसका हम दो रेसिपी बनाएंगे, तो ये थोड़ा पूरी तरह से पका नहीं है, थोड़ा कच्चा है, और ये जो है पूरी तरह से पक गया है, तो दो रेसिपी हम बनाएंगे। तो आइए दोस्तों, हम आप सभी को बता दें, हम दो रेसिपी बनाएंगे और दोनों बहुत ही चटपटी, बहुत ही टेस्टी बनाएंगे, जो कि स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। तो चटपटी रेसिपी बनाने के लिए हमने जो भी सामग्री लिया हुआ आप सभी को दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हमने पोमोलो का रस वाला हिस्सा निकाल लिया, आप सब देख सकते हैं, तो एक किलो है। तो इसका हम बनाएंगे मुरब्बा। तो मुरब्बा बनाने के लिए यहाँ पे हमने 300 ग्राम चीनी लिया हुआ है, इलायची और चीनी का हमने पीसकर पाउडर बना लिया हुआ है। कच्चे वाले का हम चटपटा सलाद बनाएंगे। तो सलाद बनाने के लिए हमने जो भी सामग्री लिया है सबको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हमने चाट मसाला लिया हुआ है एक पाउच, और नमक लिया हुआ है। यहाँ पे हमने दो मिर्चे को बारीक काटा हुआ है, पुदीने की पत्ती है। तो सबसे पहले हम आग को जला लेंगे, सबसे पहले मुरब्बा बनाएंगे। तो आग को हमने जला लिया है, हाथ को हमने धो लिया, कढ़ाई को हमने चूल्हे पर रख दिया है। इसमें हम डाल देंगे चीनी। तो कढ़ाई में हम 100 ग्राम पानी डाल देंगे चीनी को गलने के लिए। अब चीनी को हम बराबर चलाते हुए गलाएंगे। तो चीनी जो है पूरी तरह से गल गया है। अब इसमें हम डाल देंगे इलायची पाउडर। तो इलायची पाउडर हम डालेंगे इसलिए ताकि हमारा मुरब्बा खाने में टेस्टी आए। अब कलर इसमें हम नहीं डालेंगे, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। आप सब देख सकते हैं ये खुद ही कलरफुल है, तो इसमें हम कलर बिल्कुल नहीं डालेंगे। तो अब इसे हम डाल देंगे कढ़ाई में। कढ़ाई में हमने डाल दिया है, इसे हम अच्छे से चाशनी में मिक्स करेंगे। तो काफ़ी टेस्टी मुरब्बा हमारा बनकर तैयार होने वाला है, और सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद भी है। तो इसे हम बराबर चलाते हुए 2 मिनट तक पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, ताकि मुरब्बा हमारा खाने में टेस्टी लगे, थोड़ा सा खट्टा थोड़ा सा मीठा। तो 2 मिनट तक इसे हम पकाएंगे। कच्चे वाले का हम बनाएंगे सलाद। तो इसी में डाल देंगे हम स्वाद के अनुसार नमक। तो नमक को हमने डाल दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे चाट मसाला। अब इसमें हम डाल देंगे पुदीने की पत्ती, उसी के साथ हम डाल देंगे मिर्चा बारीक कटा हुआ। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से चम्मच से मिक्स कर देंगे। तो चटपटा सलाद भी हमारा बनकर रेडी हो रहा है, उधर हमारा मुरब्बा भी बन रहा है। तो काफ़ी टेस्टी हमारा सलाद और मुरब्बा बनेगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा हर वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और इधर 2 मिनट हो गया है, मुरब्बे को हम नीचे उतारेंगे, अब एक बार चला देंगे पहले। तो मुरब्बे को हमने 2 मिनट तक पका लिया है, अब कढ़ाई को हम नीचे उतार लेंगे। अब इलायची की काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है, तो आप सब देख सकते हैं काफ़ी टेस्टी हमारा मुरब्बा बनकर तैयार हो गया है। तो चटपटा सलाद हमारा बनकर तैयार हो गया, उधर मुरब्बा भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। दोनों चीज़ों को हम कटोरी में सर्व कर देंगे। तो इसमें हम चम्मच लगा देंगे। तो अब हम मुरब्बा को सर्व करेंगे। तो काफ़ी रसीला हमारा मुरब्बा बना हुआ, आप सब देख सकते हैं, काफ़ी टेस्टी है और सेहत के लिए फ़ायदेमंद भी है दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोग मुरब्बा घर पे बना सकते हैं, खा सकते हैं, अपने परिवार को खिला सकते हैं। तो इसमें भी हम चम्मच लगा देंगे। पोमेलो का टेस्टी रेसिपी हमारा बनकर तैयार है दोस्तों। आज का हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।